एक्सरसाइज का सेकंड नंबर सम पेपर के दृष्टिकोण से देखे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है या फिर वो सीबीएसई बोर्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हूज सर्क्यूमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमारा एक जो सर्कल होता है उसके फोर क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर होता है। हमने इसके किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो लेट कर लो कि हमने इसका निकालना है। तो सर्कल के किसी भी हिस्से का एरिया निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसको अप्लाई करने से पहले एक तो हमें आर चाहिए और दूसरा हमें थीटा चाहिए। थीटा तो मालूम ही है, ये देखो 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना, थीटा तो मालूम है, आर निकालना है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, सर्क्यूमफेरेंस, इसी से ही आर निकलेगा, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये देखो बेसिक वीडियो में किया था। तो फिर क्या हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू, दे भी रखा है 22, पाई की वैल्यू फिल करें 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22, ये बना 44 ओवर 7 आर इज इक्वल टू 22, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बना 44r इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7, आर के साथ लगा डिजिट नीचे चला जाएगा, ये 22 ओवर 7 डिवाइड कर देंगे 44 के साथ, तो ये कट हो गया 2 पे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 7/2 सेंटीमीटर। तो चलो आर भी निकल गई है, थीटा भी मालूम है, इस फॉर्मूले में फिल करो, थीटा की वैल्यू चल रही है 90/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 आर स्क्वायर, मतलब 7 × 2 × 7/2, मतलब इनको अलग अलग लिख दिया मैंने। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कर लो, 7 से इस 7 को कैंसिल करो, इस 0 को इस 0 से कैंसिल करो, इस 2 को इसके साथ 11 पर कैंसिल कर लो, और ये 3 के टेबल पर कट हो रहा है तो इसको इसके 3 के टेबल पर कट कर लिया, और ये फिर कट हो रहा है 4 पर, ये 4 पर कट हो गया। अब जो जो बचा है वो लिख दो, तो आपके पास बचा है 11 × 7/4 × 2, तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या आ रहा है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। तो ऐसे एक्सरसाइज का सेकंड सम कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।